भारत का संविधान अध्याय दो प्रशासनिक संबंध साधारण अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता अनुच्छेद 256 प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसे विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू हैं अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 एक प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। दो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निर्देश में घोषित किया गया है, परंतु इस खंड की कोई बात किसी राजमार्ग या जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद की शक्ति को अथवा इस प्रकार घोषित राजमार्ग या जलमार्ग के बारे में संघ की शक्ति को अथवा सेना नौसेना और वायुसेना संकर्म विषयक अपने कृत्यों के भाग रूप संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने की संघ की शक्ति को निर्बाधित करने वाली नहीं मानी जाएगी। तीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य के निर्देश देने तक भी होगा। चार जहां खंड दो के अधीन संचार साधनों के निर्माण या बनाए रखने के बारे में अथवा खंड तीन के अधीन किसी रेल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में किसी राज्य को दिए गए किसी निर्देश के पालन में उस खर्च से अधिक खर्च हो गया है जो यदि ऐसा निर्देश नहीं दिया गया होता तो राज्य के प्रसामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च होता वहां उस राज्य द्वारा उस प्रकार किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि को का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थता अवधारित करे संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 257 का संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 33 द्वारा 26/2/1979 से निरसित। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 258 एक इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त
सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। दो, संसद द्वारा बनाई गई विधि जो किसी राज्य को लागू होती है ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है उस राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगी और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी। यह शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी। तीन, जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है या उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं वह उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासन में किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 258 का संघ के कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति। अनुच्छेद 258 का इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल भारत राज्य की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 259 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 260 भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार से जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है करार करके ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी किंतु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। अनुच्छेद 261 एक भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। दो खंड एक में निर्दिष्ट कार्यों अभिलेखों और कार्यवाहियों को साबित करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का अवधारण संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा। तीन भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा जल संबंधी विवाद। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 262 एक संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद
या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध करेगी। दो, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड एक में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। राज्यों के बीच समन्वय, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसा परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी जिसे क राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने, ख कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने, या ग ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के कर्तव्य का भार सौंपा जाए, तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे परिषद की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे।